क्या चाचा, पूजा शुरू हुई नहीं कि फिर शुरू हो गया? विक्की बाबू, अभी समय बाकी है। ये कोई मामूली स्याही नहीं है। चमगादड़ के हड्डियों के चूरे को एक सफेद कौवे के मूत्र से मिलाओ तब बनती है ये स्याही। अरे चाचा, ये मनगढ़ंत कहानियां उन लोगों को बेचो जो मनोर कहानियां पढ़ते हैं। हम मॉडर्न लड़के हैं, पूरे शहर को जाहिलों का शहर बना दिया। विक्की बाबू, जिस घर के बाहर इस स्याही की छाप होगी वो उस घर में कभी कदम नहीं रख पाएगी। अच्छा, कभी सुना अंबानी की बेटी पे चुड़ैल चिपट गई, टाटा बिड़ला की बेटी पे माता आ गई? विक्की बाबू, वो आएगी। आप जेब ढीली करो, हमें दीवार में लिखने दो। अरे ओ चाचा, जरा हमारी भी दीवार पे लिख दो ध्यान से। और सुनो, जरा साफ साफ बड़ा बड़ा लिखना। पता चला कलमी को पढ़ने ही नहीं आया तो घुस गई महारानी अंदर। हाँ हाँ, आएंगे आएंगे। जम्मू ही टेढ़ा हो जाएगा एक दिन आंटी। ओम सूर्यदेवाय नमः। गेट बंद कर दीजिए हुजूर, भैया बुझाएगी। वॉचमैन भी अभी बना है। आने का टाइम मिल गया आपको? क्या है, कल से आप भी चलो दौड़ लगाने। हमें जरूरत ना है, हमारे लिए सिलाई मशीन ही बहुत है। और तुम्हें भी जरूरत ना है, नहीं तो हैंगर पे लटकोगे क्या? जोक मारो डैडी। और तुम ज्ञान में आ चले हो, बस यही अगले चार दिन तक व्रत रखा हुआ है, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो हमारी। फिर से व्रत? अरे अपने काम पे ध्यान दो तुम, अभी थोड़ी देर में लेडीज की लाइन लगने वाली है। डैडी कितनी बार कहा है आपसे, ये आल्टर शाल्टर का काम लेना बंद करो, पेटीकोट ढीला करो, ब्लाउज टाइट करो। अब से ना हम सिर्फ नए कपड़ों का ऑर्डर लेंगे, ब्रांड न्यू क्लोथ्स ओनली। ओनली? और बाकी के साल क्या करोगे बेटा, कीर्तन करोगे? डैडी आपको समझाना बहुत मुश्किल है। सुनो, देखो इतना से बैठ के मुझसे सीख लो कि दुकान कैसे चलाई जाती है, नहीं तो तुम्हारे जो डैडी है ना, ये अगर परलोक सिधार गए तो अकेले दुकान चला ना पाओगे तुम। डैडी हमराज खुद भेसे बैठ के भी आ जाए ना तो भी आप नहीं बनने वाले, उंगलियां चेबरा आ जाएंगी, फिर सारा दिन यहाँ पे औरतों के ब्लाउज पेटी को ढीले करते रहोगे आप। बेटा आगे तुम्हें भी यही काम करना। डैडी हमारा जन्म ना ब्लाउज पेटी को ढीले करने के लिए नहीं हुआ। तो क्या करने के लिए हुआ बेटा? वो पता नहीं, अभी चल जाएगा पता थोड़े दिन में। विक्की नाम है ना आपका? जी। पिछले साल पूजा के टाइम पे आपको देखा था। ठीक। आपके बारे में बहुत सुना है। मैं भी आ नहीं रहती लेकिन पूजा के टाइम हर साल आ जाती हूँ। ठीक। आप मेरे लिए घाघरा सिल सकते हैं? ठीक। कितना टाइम? दो हफ्ते। थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता? दस दिन। ठीक, पूजा के आखिरी दिन तक चाहिए मंगल आरती के लिए। तो आप देखिए प्लीज, थोड़ा जल्दी करो। कोई बात नहीं, मैं कहीं और से करवा लूंगी। थैंक यू। ठीक, परसों। थैंक यू सो मच। मेरा नाम जे कार्डिगन थोड़ा हटाइए। राइट, घूमिए। हाँ, वापस घूमिए। ले लिया। ओह थैंक यू। मैं शाम को मंदिर जा रही हूँ। गुड। संध्या आरती के लिए। वेरी गुड। शाम को मंदिर।
क्यों 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 देखा घोड़ा तुम्हारी तरफ देखता नहीं है, तुम शरीर पे घास उगा लेते हो। तुम बड़े सर्वज्ञता हो हैं। जब भी उसी गली से निकलते हैं ना, एक टुक देखती है हमें लेफ्ट टू राइट ऑल द टाइम। देखती नहीं है, घूरती है। सब ठीक है? कुछ बोलोगे? क्या हुआ? लव एट फर्स्ट आई साइट। लव एट फर्स्ट आई साइट, पहली नजर का प्यार। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एक साथ गए थे हम, ज्यादा शेक्सपियर बनने की जरूरत नहीं है। कन्या कौन है? तो पिछली बार पूजा में आई थी वो बुरी आंखों वाली, जो लंबे बाल थे। जिसके बारे में तुम पिछले साल आके थे। जल काकड़ू बेल नहीं जो आकेंगे, ऐसे हवा की तरह सरसराती हुई आई जी, हमारा हाथ पकड़ा और बोली विक्की प्लीज। तुम्हारा हाथ पकड़ा, घंटा प्लीज भी बोली। हाँ अबे वो फेंक रहे, तुम लपेट रहे हो। सिलाई मशीन की कसम। क्या तुम्हारा हाथ पकड़ा और बोली विक्की प्लीज, विक्की प्लीज, विक्की प्लीज, विक्की प्लीज। वही तो कह रहे हैं विक्की प्लीज। तुम्हारे अंदर ना प्रेम भाव ही नहीं है। हाथ लाओ विक्की प्लीज। सीखो प्रेम भाव। और तुम्हारे पास ही क्यों आई? घाघरा सिलवाने। घाघरा सिलवाने भाई, रेडीमेड की दुकान है हमारी। कौन सिलवाता है आज की डेट में? ए माकड़े, हाथ की कारीगरी की ना बात ही कुछ और होती है, और प्यार जो है ना वो रेडीमेड नहीं होता है, उसने ऐसे प्यार से सुई धागे से सिलना पड़ता है। सही बात, सही बात। भाई साहब हिसाब कॉपी में लिख दो। जेवलात पकड़ा था, सुन सनफ्लावर। हमें तो लग रहा है तुम जल्दी शादी वादी मना डालोगे। इस चेन्नई तो हमें भी सुनाई दे दिए जना। अबे ओ स्वप्नलोक से बाहर निकलो, आज पूजा का पहला दिन है। मतलब लोकेश ने रखी है पार्टी अपने मामा की कोठी पे, तो अगली चार रातें फुलैया से, नो बडी भी लेट। मतलब दिन में सोना और रात में धोना। चांदी दो तो दिन में। अबे तुम लोग चलो हवेली पे, आते हम 5 मिनट में। क्या करोगे यहाँ? ऐसे मन थोड़ा बेचैन है, बहुत दिन से भगवान को बैठ के याद कर लेंगे थोड़ा। क्या हो गया विक्की, यहाँ तेरे को भगवान का भूत चढ़ गया क्या? यार भोपाल वाली भी आ गई होगी, एक साल से वेट कर रहा, उसका जल्दी चलना विक्की जी। आ जाना तुम, चलो ना प्रसाद लेके। एक मिनट। अबे ये वो लहंगे वाले के चक्कर में विक्की प्लीज वाली, और हमें हांक रहा है कि मन बेचैन है। ओ भाभी जी आ रही है क्या? बिट्टू हम भी जाएंगे। कोई भाभी जी नहीं आ रही है, सत्य प्रसाद लेके आए तुम्हारे लिए। घंटा प्रसाद या विक्की प्रसाद प्रसाद लगा रखा है तुमने, बड़े बड़े पछताया लड़की के चक्कर में। क्या एक लड़की थी जिसने विश्वामित्रा की तपस्या भंग की थी। तो हम कौन सा विश्वामित्र हैं बे, हमें कौन सा वरदान चाहिए? बचपन से खड़े हैं टांग पे, कोई मेनका के तपस्या भंग कर दे, ये किसी ने आज तक। तुम समझाओ यार, कुछ भी बोल रहा है जना। लेके जाओ लड़की, चक्कर नहीं हम आज। चल बिट्टू जाओ ना, लेके जाओ जल्दी आना तुम। चलना आ रहे तुम भी जाना। चलो हेलो। मुझे लगा तुम समझे नहीं। नहीं नहीं हम तो समझ गए थे, वो थोड़ा बस टाइम लगता है, पर ऐसा नहीं है, वो थोड़ा एक्सपीरियंस कम है ना, मतलब हम पार्टों में हम जब मतलब जब बोलने में कोई प्रॉब्लम होती है क्या? हमें नहीं, क्यों नहीं? अगर होती तो इसका इलाज है। नहीं नहीं हम तो सरासर बोल देते हैं फट से। मोर
मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर की चोट लंबी और पेनी होती है। मोर की ऊंचाई लगभग 1.5 फुट होती है। मोर बहुत सुंदर होता है। मोर के पंखों में इंद्रधनुषी रंग होता है। कुछ लोग का मानना है कि मुनि जब मोर का आंसू पीती है तो बाल मोर का जन्म होता है। मोर जब सावन के मौसम में झूम उठता है तो लोग उसको देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जैसे हम आपको देख के मंत्रमुग्ध हो। सॉरी, वैसे आप ना आज बहुत अच्छी लग रही हैं। आप भी ठीक लग रहे हैं। थैंक यू। अपने आने में थोड़ी देर कर दी, आरती तो खत्म हो गई। खत्म हो गई? हाँ, खत्म। ओ, टाइम का पता ही नहीं चला। हाँ, वो मौसम भी ऐसा ही है। पर कल हम आपको आरती सुनने के पहले बता देंगे, फोन कर देंगे। आप नंबर फिर कर दो इसमें अपना। मेरे पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल नहीं है? अच्छा, फिर अगर हमें नहीं, मतलब किसी को भी आपसे बात करनी हो, कोई ऐसे फोन फ्रेंड करना, तो कैसे करेंगे? किसी का तो पता नहीं, पर तुम्हें अगर करनी हो तो, तो बस मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। ठीक ठीक ठीक, याद कर लेंगे। चिट्ठी तू हमारे लिए? नहीं नहीं, कल सुबह नहा धो के खोलना। नहा तो ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। वैसे रात भी काफी होगी, नहीं? काला सा अंधेरा दिख रहा। मुझे रात ही का तो इंतजार रहता है। ठीक ठीक ठीक। बाइक लेके फायदा क्या अगर पेट्रोल बार बार खत्म हो जाता है? तुम्हारी पेट्रोल से दुश्मनी है क्या बिट्टू? अबे पेट्रोल को आग लगाओ, पेट्रोल के बारे में मत सोचो, विक्की के बारे में सोचो। बिट्टू तुम ना जल्ला बंद करो। हा? उसकी किस्मत थी, मिल गई लड़की। अबे तो मिलवा देना हमको, छुपा क्यों रहा है? हमें तो लगता कि लड़की है ही नहीं, पर अगर है तो उसमें खोट है। ये आवाज क्यों? अबे हम बोल रहे हैं, कौन सी बात सुन रही है तुम्हें? किशोर कुमार की बात आ रही क्या? फिर आई। अबे क्या रुद्र भैया, नमस्ते। हेलो रुद्र भैया, अब ये ठीक तो है? हाँ सही है। अकेले अकेले इतनी रात को कहाँ? क्यों, क्या हुआ? पूजा शुरू हो चुकी है, अगले 4 रात वो शिकार पे आने वाली है। कौन? वो स्त्री। रुद्र भैया ऐसी फालतू में क्यों डरा रहे हो उसको? डरा नहीं रहा हूं, चेता रहा हूं। देखो पूरी दुनिया में इकलौता हमारा अजूबा शहर है जहां पूजे की इन 4 रातों में कोई भी पुरुष घर के बाहर सुरक्षित नहीं होता। वो पुरुषों को उठाती है और सिर्फ वस्त्र छोड़ती है, वस्त्र। ऐसा है, तुम दोनों अपने हो, प्यारे हो, इसलिए मुफ्त में ज्ञान दे रहे थे, नहीं चाहिए। I'm leaving। अरे नहीं रुद्र भैया, बताओ ना। त्रिकोण बनाओ, त्रिकोण बनाओ, इधर आओ। क्या है वो? ये बियर। बियर ठीक है, वहां है। हाँ, स्त्री से बचने के निम्नलिखित नियम है। नियम क्रमांक 1, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, इन 4 रातों में घर के बाहर अकेले नहीं निकलना। सिर्फ वही पुरुष सुरक्षित है जिसके 4 दीवारी के बाहर लिखा हो ओ स्त्री कलाना। नियम क्रमांक 2, अगर किसी कारणवश तुम्हें बाहर जाना पड़ा तो शेर मत बनो, लोमड़ी बनो। लोमड़ी? लोमड़ी क्यों? अकेले मत जाओ झुंड में। अच्छा। नियम क्रमांक 3, यदि कहीं स्त्री तुमसे टकरा गई, भेंट मुलाकात हो गई उसकी, तो वो पहले तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारेगी, हेलो फलाना ढिमकाना, तुम्हें क्या करना है? फौरन चप्पल निकालो, हाथ में लो और भागो। भागना नहीं, चलते जाना है। क्या करना है? चलते जाना है। फिर दोबारा तुम्हें आवाज देगी वो, और प्यार से, और आपने क्या करना है? चलते जाना है। फिर तिबारा तुम्हें आवाज देगी और प्यार से, मधुसूदन में स्वप्न सुंदरी की तरह, लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो, इस टाइप का भाव आएगा तुम्हारे अंदर। तुम्हारे सांसें तेज हो जाएंगी, धड़कने बढ़ जाएंगी, बार बार बेडरूम 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 याद करने लगोगे। और आपने क्या करना है? साथ ही चलते जाना है। नहीं,
कोई ऐसा मर्द नहीं पैदा हुआ जो स्त्री के तीसरी आवाज के बाद मुड़ ना सके। तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारे ऊपर से खत्म होने लगेगा और जैसे मुड़े घर। लेकिन रुद्र भैया कोई तो उपाय होगा ना? हाँ, नियम क्रमांक 4 सबसे महत्वपूर्ण याद करने वाली बात है। अगर स्त्री से बचना है तो कुछ भी हो जाए कि हाँ समा क्या मेरे जीवन में आने वाली हो? हाँ, मैं जीवन लेकर फौरन आ गया। चलते जाना है। आवाज मत करो बे। चलते जाना है। बे 2 मिनट रुको। नहीं नहीं, चलते जाना है। जनो वो देख भाई क्या? कोई है? क्यों रहे हो? क्योंकि तुम भाग रहे हो बे। चलो अंदर। क्या था बे वो? हमें क्या मालूम बे? अब अंदर किसी को बताना नहीं वरना साला हंसेगा मारूं। समझ रहे हो कभी? क्या रहेगा तो? क्या हुआ? है? कुछ नहीं। क्या? हमें तो एक बात समझ नहीं आ रही। स्त्री अंदर आई कैसे है? हमको क्या मालूम? हमने तो सुबह ही दीवार पे लिखवा दिया था ओ स्त्री कल आना ताकि हम चैन से पार्टी कर सके। किसी ने तो मिटाया उसे है। हमारा अनुमान ये है कि जान मुझकर सारी ताकत कल सबको मिटाने में लगाई गई है। कौन सा लोग साहब किया वहां पर? कौन था? है? बोलो कौन था बे? विकी तुम किए? अबे नहीं नहीं हमने नहीं किया। अच्छा फिर ये किसने किया था? बे हाँ विकी साले तू डांस करते वक्त ये करके निकला था बाहर मुझे पता है। तुम ही मुंह तो ना हमारे कल पर। अबे झिंगुर हां मुंह तो हमने वहां लिखे क्या पेशाब करना मना है तू एक। अरे पूरी कोठी छोड़कर तुमको एक ही जगह मिली मूतने के लिए। मैं हमारी धार हमारे औजार हम जहां मर्जी तेजाब गिराएंगे यार। अरे तुम्हारे तेजाब के चक्कर में तो हमारा दोस्त गुम हो गया। जैसी है कहीं चरस मार के घूम रहा होगा यहाँ पर नंगा। अपने दोस्त के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे। एक तो उसको गायब करा दिया। अब हमने गायब नहीं किया यार। तुमने गायब किया है तुमने ही पूछा वहां पे। जीना को मार के क्या होगा? तुम्हारा दोस्त गायब है उसकी चिंता करो ना। जाके उसको ढूंढो कहीं या खड़ोगे स्टीज नहीं कर रहे हो। बहुत देर हो गई मेरे डैडी घर पे इंतजार कर रहे हो। हम भी मम्मी को नहीं बोल के आए थे। ठीक है कल देखते हैं। अरे भैया एक मैडम आपसे मिलने आई है। कौन है बाद मैंने बोल। अरे भैया वो है आप खुद ही देख लीजिए भैया। माँ खड़े तूने बोल दिया कि मैं हूँ? बता दिया भैया। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मेरे पैसे चाहिए। कौन से पैसे? अरे प्रिंसिप के पैसे। तुम्हारे दोस्त ने प्रिंसिप के पैसे नहीं दिए मुझे तो
तो तुम दोगे ना? हम क्यों देंगे? अच्छा, पेशाब तुम करोगे और पैसे मेरे डूबेंगे? सरकार ने हमारी पेशाब पे भी बैन लगा दिया क्या? हमारे पेशाब पे हम जावन जी करें? पैसे दो चलो। हमने तो सुना है कि फ्रेंडशिप हुई भी नहीं थी। आधी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। दीदी प्लीज, हम कहाँ से लाएंगे पैसे? दीदी हमारे पास नहीं है पैसे। देखो ज़्यादा चू चपड़ मत करो वरना सारा मोर्चा लगाएंगे दोस्तों के साथ तुम्हारी दुकान के सामने। वैसे भी ना तुम्हारे पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा, सुना हमने काफी उनके बारे। कितने की पर्ची काटी दीदी? हम डेडी वो जागरण की पर्ची कटवाने आई। 3,000 ठीक रहेगा? सीख लो। जय माता। क्या है महाराज, ऐसे ही खड़े रहोगे? कुछ पहनोगे? संभालो जरा अपने महाराज को, जवानी फूट रही है। बेटा आज हम तुम्हारे साथ अपने जीवन की बहुत बड़ी सीख साझा करने जा रहे हैं। ये जो जवानी का समय होता है ना, ये बहुत ही विचित्र समय होता है। शरीर में ऊर्जा का भंडार छुपा होता है, अ टैंक फुल ऑफ एनर्जी। और ये जो एनर्जी हो, ये जो ऊर्जा होती है ना, ये शरीर से बाहर निकलना चाहती है। लेकिन ये शरीर, इसको कुछ समझ में नहीं आता है क्या करे क्या ना करे। बस इसी तड़पन में अपोजिट सेक्स के साथ कभी कभी फ्रेंडशिप कर लेता है। लेडी आपको पता ना फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप बेटा, इस शहर में हम तुमसे पहले की पैदाइश हैं। अरे अपने जमाने में बहुत फ्रेंडशिप की है। आपने फ्रेंडशिप की है? बहुत। लेकिन हाँ, जब एक बार तुम्हारी माँ से मिले ना, उसके बाद से बेटा मेरा नजरिया एकदम बदल गया। ये जो स्त्री पुरुष का ये जो मिलन होता है ना, पूरी बात सुनो मेरी ध्यान से। हाँ बोलो बोलो। स्त्री पुरुष का जो ये मिलन होता है ना, पावन होता है बेटा, पवित्र होता है। जैसे जैसे स्वर्ग लोक पृथ्वी लोक का मिलन हो रहा हो, जैसे शिव और शक्ति का समागम हो। ये सब ज्ञान हमें क्यों दे रहे हैं आप? तुम्हें ज्ञान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम पैसे देकर फ्रेंडशिप मत करो। हमने कब पैसे देकर फ्रेंडशिप की? अच्छा, वो लड़की हमारे लेने आई थी, हमने पैसे देकर फ्रेंडशिप नहीं की। अरे मेरी बात सुनोगे? मैं क्या कह रहा हूँ कि अपने जीवन में किसी ऐसे साथी का इंतजार करो जिसके साथ ऐसे मिलन का तुम जीवन भर आनंद उठा सको। हाँ बस इस बीच में जो तुम्हारी ऊर्जा के ज्वार भाटे हैं उस पर थोड़ा कंट्रोल करो। अगर कंट्रोल नहीं कर पाओ तो मतलब तो फिर तो स्वयं सेवक बनो, स्वयं की सेवा करो। स्वयं सेवक मतलब? स्वयं सेवक मतलब अपने अपने आप। अपने आप कैसे? अरे मतलब हो गया। चलो अब आप सुनो, क्या मुझे क्या दिए जा रहे हो? चलो सुनो। अरे हमारी ऊर्जा कहाँ है? माय डियर बिकी, लड़की ने माय डियर से शुरू किया है तो मतलब पे दी एंड करेगी। माय डियर बिकी हावर जू, बड़ा बेहुदा सवाल है, कल मिली और आज पूछ रही है कैसे। पढ़ो। सच कहूँ तो बहुत खुश हूँ कि किसी बहाने तुमसे मिलना हुआ। तुमसे बात करके लगा है जैसे हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। जब से तुमसे मिलके लेटी हूँ मन लोटी हूँ, मन करता है कि हम फिर मिलें। और इस बार जब मिलें तो माय डियर बिकी, क्या तुम ये सामान ला सकते हो? PTO, 1/4 ब्रेंडी, 1/2 किलो मटन, 1 किलो कांच का चूरा, धतूरे का फूल, सफ़ेद बिल्ली का बाल और एक छिपकली की पूंछ। थिंकिंग यू विद लव कहा था। बे क्या घंघोर चुतिया पाल लियो बे, ऐसी महाविचित्र शॉपिंग कौन करने को कहता है? और ऊपर से पीती भी। पीती तो क्या हुआ, भाभी जी स्कूल। बिक्की वो बात नहीं है, बे तुमसे छिपकली की पूंछ मांग रही है और तुम सारा दर्जी की औलाद हो, किसी छिपकली के नाना दानासुर नहीं। लड़की ने बोला नहीं कि साला चले मिशन इम्पॉसिबल पे,
जना कब से तुम्हें कह रहा है बूसट सिल दो सिले तुम? हम कब से कह रहे हैं गोवा चलो चले तुम? सर लड़की के पीछे हीरो बनने चले। अबे तुम ही बोलो यार कुछ। क्या करोगे अब? अब इतने प्यार से बोला है तो लाना पड़ेगा। बे सो बात की एक बात है, लड़की जब बोलती है लड़का करता है बस। प्यार में शाहजहां ने ताजमहल बना दिया, हमारा भाई बिल्ली चिपकली पकड़ रहा है। इसने सोचा था 500 साल में प्यार की दूर गति हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कुछ गलत नहीं लग रहा? सही और गलत सिर्फ एक नजरिया होता है बिट्टू। एक तो तुम चरक क्या मत बना करो यार। सलाह हम बता रहे हैं, हमें तो बल्कि यहाँ तक फीलिंग आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की में। अरे चलो अब जल्दी करो, कल रात स्त्री एक को लेके गई है, उसके शिकार पे निकलने से पहले घर चलते हैं। अरे चल रहे हैं, काहे इतना डर रहे हो? एक स्त्री तो संभलती नहीं है, दूसरी से डर रहे हेलो जेना, जल्दी मिलो हमें यार। विकी हाय। हेलो सॉरी, वो थोड़ा म्यूजिक में खो गए थे हम। क्या सुनते हैं आप? टोटल इंग्लिश। अरे वाह। ये कौन? कौन? ये कौन? कौन आई ना पोना पीछा चमक चलो। अरे जे लगा लो, अमेरिका के कुमार सानू है। अच्छा आप नहीं जानते? नहीं। अच्छा ओ आपकी आरती फिर छूट गई आज। लगता है मेरी भगवान से ज्यादा बनती नहीं है। ठीक ठीक। अरे जे जे प्रसाद लाए थे हम आपके लिए। आज मेरा व्रत है। तो प्रसाद में नहीं खा सकते? क्यों नहीं, आपने खाया हमने खाया एक ही बात है। वैसे हम अंदर जा सकते हैं, वो छोटे पंडित जानते हैं हमें, आपके लिए एक मिनी आरती करवा देंगे स्पेशल वाली, और 11 रुपए की आपके नाम की पर्ची करवा देंगे। अपन नाम तो मेरा सामान लाए हो। हाँ जितना बोला था आपने सब लाए हैं, वो आपने ब्रांडी का ब्रांड नहीं बताया तो जितनी ब्रांडी थी सब उठा लाए। अच्छा है आप भी डेली नया ब्रांड ट्राई कर लेंगे तो वेराइटी हो जाएगी आपकी। और वो बिल्ली का क्या हो ना, पूरी सफ़ेद बिल्ली तो मिली नहीं, मिक्स मिली है चितकबरी सी, पर ये सब सामान का आप करेंगे क्या? सब कुछ यही जान लोगे? कहीं और चले? इतनी रात को? हाँ ठीक ठीक ठीक। कहाँ जाएंगे? चलो मैं एक जगह जानती हूँ। तो बिक्की तो गया कहाँ? अबे यार तुम फोकस करो यार बात पे, हमने मनी मन चिंतन किया है और जिस निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं ना वो बहुत डेंजर है। क्या निष्कर्ष है यार? जब तुम साला स्कूल में अबल आते थे तो रियल लाइफ में थे सिलो कैसे हो? हाँ मैं हर बात की गहराई में जाके उसका सही आंकलन करता हूँ। माय डियर पैसे पे कौशन, तुम्हारी सारी ये गहराइयाँ वो नहीं दिखा रही जो हम देख पा रहे हैं। ये जो लड़की है ना, एक दुर्लभ जीव की तरह साल में एक बार प्रकट होती है, और हमेशा पूजा के समय। और पूजा के समय पता है कौन प्रकट होता है? कौन? स्त्री।
साहब अपने मन के चक्षु खोलो। बिक्की के अलावा किसी ने देखा है इसको आज तक? नहीं ना। और मोदी अपने पहले प्रेम पत्र में क्या मंगाती हैं? बिल्ली का बाल, छिपकली की टांग, पूंछ। अबे एक ही बात है, वो तो कौन मंगाता है ये सब? काट रहा है यार। ओ भाई साहब फोन बंद कर लो। आप बकवास बंद कर लो और तेल डालो 50 का। फिर 50? कभी तो ज्यादा का डलवाओ यार। तुम्हारे बाप से क्यों नहीं बात करते बे? तुम मिला के देखो। ये रामी उसी को मिलने गया, हम बता रहे हैं। और संकट में हमारा दोस्त, समझ रहे हो? स्त्री ने जाल बिछा दिया है और प्यार का भूखा बिक्की खुद ब खुद जाकर बैठ गया जाल पर। सच में काट रहा है यार, इंसान प्यार में अंधा क्यों हो जाता है? अबे हमें क्या मालूम बिट्टू, अंधभक्ति बहुत बुरी चीज है। कुछ भी बनो पर साला भक्त ना। ये नया कबूतरों का जोड़ा गुटर को करने कहाँ गया होगा? मोती जी आपको इस जगह के बारे में कैसे पता? हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ अंधेरा है और यहाँ कोई नहीं आता। अंधेरा? यहाँ भी नहीं है यार, कहाँ गया होगा? देखना आज तो साले के कपड़े ही मिलेंगे। आपके कपड़े अच्छे हैं, कहाँ से लिए? जी तो हमने खुद ही स्टाइलिंग की है, चंदेरी का मनीष मल्होत्रा बोलते लोग हमें। काफी टाइट नहीं है? ओह बाड़ी। खुलता कैसे है? सुनो बे। हाँ निकले क्या? क्यों तुझे भी डर लग रहा है क्या? नहीं नहीं, डरते तो हम नरपिशाच से भी नहीं है, लेकिन एक स्वार्थी आदमी के पीछे कब तक टाइम वेस्ट करेंगे? लेकिन दोस्त हमारा यार। तो क्या क्या सिलते हो तुम अपनी दुकान पे? सिर्फ लहंगा और घाघरा या और भी कुछ? नहीं नहीं, हम तो सब बनाते हैं, कंप्लीट लेडीज फैशन। घाघरा, लहंगा, चूड़ीदार, पटियाला, अनारकली, मॉडर्न सलवार, पाकिस्तान सलवार, लॉन्ग कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती, गरारा, शरारा, और ब्लाउज में डीप नेक, बैक डीप, मॉडर्न ब्लाउज, डिजाइनर ब्लाउज, कटोरी ब्लाउज, चम्मच ब्लाउज, भगोना ब्लाउज, सूट, स्कर्ट, टॉप, एम्ब्रॉयडरी, फ्रॉक, गाउन, मिरर वर्क, स्टोन वर्क, डिजाइनर पेंटी, नाइट फाल, नाइटी फाल, बस। मुझे मेरा लहंगा कब दोगे? वो छिपकल चक्कर में लहंगा दिमाग से निकल गया। बहुत काम करवाया ना तुमसे मैंने? नहीं नहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, और मतलब आपके लिए तो कुछ भी। हमें ना उस दिन आपका नाप ले लेना चाहिए था। मुझे लगा ले लिया। नहीं वैसे तुम हमेशा पकड़ लेते हैं, पर आपके केस ना थोड़ा कच्चा खा गए। तो अभी ले लो। अभी तो वो इंची टेप नहीं लाए ना हम। तुम उसके बिना ले नहीं सकते? ले तो सकते हैं, ले ले। ले लो। ले ले। ले लो। ले लेते। हेलो कहाँ गए आप? हेलो पिट्टू। हाँ मम्मी की याद आ रही है यार, चले क्या वापस? तुम ठीक कह रहे हो यार, दोस्तों से ऊपर ना माता पिता होते हैं। सही बात है, सही बात। लेट्स गो बैक। चेक करना पड़ेगा। लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। कहा था मैंने, कहा था तुमको मैंने। फिर तो चीज बताओ यार, तुम्हारा बाप दिहाड़ी मजदूर है क्या?
हाँ इतनी बड़ी दुकान तुम्हारी, लेटर डिजाइन मनीष बर्तन से लेके मनीष बैल तक आगे रही है। चला 50-50 करके भरवाओ या पेट्रोल पूरा भरवाओ, बात तो एक ही बढ़ती है यार। पेट्रोल पंप पास में ही है, धक्का लगाओ। तुम्हारे भाई करा धक्का हम करा तुम्हें हुआ क्या है? पूरे शहर में स्त्री घूम रही है, हम जंगल के बीचों बीच बाइक बंद करके बैठे हैं और साला पूछ रहा हमें क्या हुआ है। मम्मी ने कहा था जल्दी आने को, साला नहीं पहुंचे ना तो किचन में ताला लगा के चाय पल्ले में डाल के सो जाएंगे वो। अब लगाओ धक्का। हेलो गई आप लेंगे वाली? कहाँ जा रहे हो? पता था मुझे, मतलब ही साला। क्या आज हुआ क्या तुम्हें यार? दोस्त तुम्हारे चमचे नहीं है, पहले तुम्हारे घर जाए ताकि तुम आराम से जाकर बिस्तर में घुस जाओ, फिर उल्टा होके अपने घर जाके ले। यार तो हर बार ऐसी तो जाते हैं। आज नहीं करेंगे। ठीक है रहे तो, कब से चपटाड़ सुन रहे हो तुम्हारी, जाओ तुम। हाँ तो मत सुनो, लंबा लो तुम। बोलो लंबे यार, भगवान करे तो बस तीन उठाकर ले जाए। सेम टू यू। बेटा कहीं तुम्हारी मुलाकात हो गई स्त्री से, कहीं टकरा गई, तुम्हें क्या करना है?
आज तक किसी लड़की को छुआ भी नहीं है और वो उस पर चढ़कर बैठी होगी। कितनी बार कहा था ये धूर्त दोस्तों के साथ मत घुमा कर, मत घुमा कर। आज ना मेरा जना कहीं पर कलर को होता, ये हराम दोस्तों की वजह से बर्बाद हुआ है। अरे भगवान शक्ति देना, शक्ति देना मेरे बेटे को। हम जानते हैं तुम उससे मिलने गए थे। तुम्हारी लव लाइफ से जिले सोना बंद हो, जना के बारे में सोचो। अच्छा कुछ अजीब हुआ था? क्या अजीब? कुछ भी अजीब हुआ था जब तुम उसके साथ थे तो क्या किए बताओ? क्यों बताओ तो सही। हम मंदिर गए, फिर वहां से घाट पे गए, वहां बैठ के बातें कर रहे थे, फिर वो गायब हो गई, आई नहीं वापस। हम जानते थे विक्की। क्या? कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भूतिया है साले। क्या मतलब भूतिया? मैं और जना तुम्हें बचाने आ रहे थे और वो जना को ही उठा कर ले गई है। क्या बकवास कर रहे हो? अरे वो प्रेम पुजारी, प्रेम और वासना से बाहर निकलो। क्यों हर साल तुम्हारी साली एक गर्लफ्रेंड पूजा के टाइम ही आती है और उसके बाद गायब हो जाती है? हाँ लव लेटर में भी साला काला जादू का सामान मंगाती है। कहीं पैर देखे हो उसके? सीधे हैं कि उल्टे? नाम पूछे हो कभी? फोन नंबर जानते हो? तुम्हारे लव और किसी ने देखा क्या उसको? क्योंकि हमने तो नहीं देखा। आजकल के भूत प्रेत नास्तिक होते हैं क्या? इनको भगवान से डर नहीं लगता? लोग मंदिर के अंदर नहीं आते, कभी बाहर ही रहते, प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते। पहली बार तुम्हारे लिए सेट फील कर रहे हैं। तुम्हें प्यार भी हुआ तो किससे? एक चुड़ैल से। पूछो उससे, अपनी स्त्री से, कि कहां ले गई हमारी जना को? मिस करते हैं उसको। और एक बात और, उसको बोल मत देना कि बिट्टू ने बोला तुम्हें सब कुछ, पता चले कि हमें भी उठा के ले गए। नहीं नहीं आपको नहीं, आप ठीक है। अगर कहीं आपकी स्त्री से मुलाकात हो जाती है तो उसे बचने का एक ही उपाय है, कुछ भी हो जाए आपको। हेलो हेलो, आपको स्त्री के बारे में इतना सब कैसे पता है? क्योंकि हम सब जानते हैं। ट्रिपल बीए, डबल एमए, वैद्य विशारद, साहित्याचार्य, संगीताचार्य, अर्थशास्त्री, ये सारी डिग्रियां हैं मेरे पास। बचपन मगरमच्छों के साथ गुजरा है मेरा, रुद्रा पुस्तक भंडार। हम दीवारों पर यही क्यों लिखते हैं कि स्त्री का लाना? हम कुछ और भी लिख सकते हैं, स्त्री कभी मत आना। अरे भाई इतना लिखने से काम चल रहा है, चलने दो। और वैसे भी कोई अनचाहा मेहमान आ जाता है तो ऐसे थोड़ी बोलते हैं चल भाग कभी मत आना, यही बोलते हैं ना प्यार से कल आना। मैंने सुना है कि स्त्री अपना शिकार करने से पहले उसके साथ टिकाके करती है। मादा बिच्छू का यही सिस्टम है, जिस नर से संभोग करती ना उसी को निकल जाती। ओ, ओ ज्ञान देवता, अपने ज्ञान की गंगा यहाँ प्रवाहित मत करो। अरे आप सारी बात छोड़िए, आप तो ये बताइए कि इसका इलाज क्या है? अब हमारी बीवी कहती घर से साड़ी पहनकर निकलो। ओ भाई ऐसी अफवाह फैलाना भी मत, पता चला पूरा शहर साड़ी पहन कर घूम रहा है, मेरा पिया घर आया हो राम जी टाइप। ना ना ना, उसको सबका नाम कैसे पता चल जाता है? सबका आधार लिंक है उसके पास। अच्छा चुप फालतू आदमी, अब देखो दो नौजवान उठ चुके हैं, सतर्क रहो थोड़ा। बीच चौराहे से उठा के ले गई बेचारे, कितना हेल्दी लड़का था। विकी तुम्हारा तो दोस्त था ना? गया
गया। चाय कुछ? क्या जुबान चल दिए? जुबान चल दिए? पक पक। दोस्तानी दोस्त है हमारा। लग रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। भूत? नहीं नहीं, भूत भूत कुछ कुछ नहीं। ठीक हो ना विक्की? हम ठीक है। हमें क्या, ये बन गया? हाँ जी, जी बन गया। थैंक यू। ठीक है ठीक है। कहीं बाहर चले? बाहर? मैं तुम्हें अपनी एक और फेवरेट जगह लेके चलती हूँ। नहीं नहीं जी, यही फेवरेट है जी, बैठते हैं, अच्छी है। ठीक है। आपके हाथ में तो जादू है। हमें तो पता है पैरों में भी जादू है, ऐसे पीछे पूरे ऐसे घूम जाते। आपके पैर भी घूम जाते क्या पीछे? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम? अच्छा, ऐसे जीके के लिए एक बात पूछें, आपका भूत प्रेत में विश्वास है क्या? नहीं, वो हमने सुना है, क्या ना यहाँ पे एक औरत घूमती रहती है रात को, स्त्री नाम की, चुड़ैल है वो ना, लोगों को उठा के ले जाती है नंगा। नहीं, हम समझते हैं उसकी कोई मजबूरी होगी, ऐसे कोई थोड़ी माँ की पेट से चुड़ैल बन के पैदा होता है ना। हम समझते हैं, वो हमारे एक दोस्त भी गायब हो गया है, जना नाम का, बहुत प्यारा लड़का, लोग कह रहे हैं स्त्री लेके गई उसे। आपने देखा क्या जना को? आपसे एक बात पूछें, थोड़ी पर्सनल है, पर आप पर्सनल मत लेना है। वो आप कहीं आप मतलब गलती से आप स्त्री तो नहीं है? हम ऐसे ही पूछ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बस कंफर्म कर रहे हैं। अब भूत जो है मतलब इंसान जो है सो है, अगर आप है ना तो हमें अपनी संकोच बता दीजिए, क्या है ना, हम बस
मेंटली थोड़ा प्रिपेयर हो जाएंगे वो, और कुछ नहीं है। चाचा चाचा, ये जो हरीश बटन में लड़की खड़ी वो दिख रही है? कौन सी लड़की? अरे वो जो सामने खड़ी है। कभी कभी दोस्तों की भी सुन लिया करो। इतनी सुंदर स्त्री स्त्री कैसे हो सकती है? वो सुंदर थी क्या? सॉरी, जना के बारे में सोचो, क्या हाल होगा बेचारे का? इतनी ठंड में नंगा पड़ा होगा कहीं। क्या करना है? किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो इन सब बकवास बातों का एक्सपर्ट हो। सही जगह आए हो, सब पता है मुझे। चढ़ती नहीं, पीते क्यों? अरे क्षमा की याद में बस। भाई क्षमा परवाना छोड़िए, ये बताइए स्त्री के बारे में क्या पता है आपको? ये स्त्री महोदया पे मेरा रिसर्च चल रहा है, और कहते हैं ना परिश्रम का फल मीठा होता है, मुझे भी मिला। मीठा फल? नहीं, किताब। किताब? एक मिनट, ये लो। ओ, के एस कासू। अरे नहीं, वो नहीं, ये है चंदेरी पुराण। ये शेर का अपना पुराण है? अरे बहुत प्राचीन शहर है हमारा, जहाँ बैठे हो ना, खुदाई कर दे तो नीचे हड़प्पा मिल जाए। यही हड़प्पा, बिल्कुल नीचे तुम्हारे। तो देखो, चंदेरी पुराण शंकर शास्त्री द्वारा लिखित, या ये है। कई साल पहले शहर में एक सुंदर आकर्षक विषया हुआ करती थी। शहर का हर पुरुष उसके सपने देखा करता। आखिर उसको एक ऐसा मर्द मिला जो उसके शरीर से नहीं उसकी आत्मा से प्यार करता था, सच्चा प्यार। और एक तुम्हारी जनरेशन का प्यार है, फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। कहां जा रही है हमारी युवा पीढ़ी? वो कह रहा है आप डेडी मत बनिए, आप आगे पढ़िए। अच्छा हाँ, आगे। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। उनकी खुशियां लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। इससे पहले कि वो अपनी सुहाग रात मना पाते, ईर्ष्यालु और कामुक लोगों ने दोनों को मार डाला। तब से वो इस शहर में घूम रही है, अपने उस अधूरे प्यार को खोज रही है, अपनी अधूरी सुहाग रात पूरा करना चाहती है। और ये अधूरी सुहाग रात तभी पूरी होगी जब उसको उसका खोया हुआ प्यार मिलेगा। बताओ कितने बदतमीज लोग हैं यहाँ के, दो लोगों की खुशियां नहीं देखी जाती उनसे है? और हर औरत को हक है उसका प्यार खोजना ही चाहिए। हम जो डिबेट कंपटीशन बाद में कर लेंगे, आप स्त्री से लड़के ले सकते हैं वो बताइए, वो लिखा है इसमें कि नहीं? स्त्री से मुक्त होने का एक ही रास्ता है, पन्ना पलटो, पन्ना पलटो। अच्छा हाँ। शहर में मुख्य रूप से सूत का व्यापार हुआ करता था। लोगों में शिक्षा का इतना अभाव था कि चांद को सच में अपना मामा मानते थे। शहर की मुख्य जात, अरे शास्त्री जी, पूरब से दक्षिण कहाँ चले गए? जी 66 के बाद 80 नंबर पेज है, बाकी पेज कहाँ है? ओहो, इसीलिए किसी को अंदर आने नहीं देता मैं। बच्चे पन्ना फाड़ के कश्ती बना लेते हैं, नाव बना लेते हैं। अब जेना को कैसे बचाएंगे? एक मिनट, जगह तो देखी हमने। कहाँ पे? पहाड़ी के ऊपर। यहाँ चलना चाहिए हमें, तो चलते हैं। हाँ, कुछ पता चल सकता है। ठीक है, चले जाओ, जाओ तुम लोग जाओ। हाँ चलो, आप भी। मैं भी? अरे उधर भी, अध्ययन किया आपने? बिल्कुल। अच्छा एक मिनट, जाओ फिर ले लो थोड़ा समा, जा रहा हूँ मैं। पेट्रोल खत्म हो जाएगा, और कितनी दूर जाना है विक्की? वो सामने ऊपर। क्या एलर्जी है? धूल है। चलो एक तो इतना अंधेरा है,
वो जबरदस्ती उठा के ले गई तो? स्त्री है, पुरुष नहीं। स्त्री पुरुषों की तरह जबरदस्ती नहीं करती। वो पहले आपसे अनुमति मांगेगी। हेलो मिस्टर फलाना ढिकाना, और अगर मुड़ गए तो उसको लगेगा हाँ, यस यस मीन्स यस, फिर उठा ले जाएगी। तो कुछ भी हो जाए पलटना मत। पलटना नहीं, नहीं पलटेंगे। हाँ। चलो चना चना, जना जना जना, क्या कर रहे हो? धीरे धीरे चलो। रुक रुपया, शराब दो। शराब क्यों? शराब पीने का टाइम थोड़ी है। नहीं पावर, कोई पावर पावर नहीं। अच्छा दे दो, पावर आ जाएगा। थोड़ा बचाना बचाना। आपको शराब की पड़ी है तो उधर जा। उधर भैया आप ऊपर देखो। ऊपर क्यों? इधर देखो, वो एक साथ रहते हैं ना। टाइम नहीं हमारे पास। से याद कर ले, अब भुख तो बैठ के। सॉरी मम्मी, आलतू जलाल तो आई बला को डाल दो। वार्म अप कर रहे थे। वो हमें देखी देखी। हाँ रुद्र भैया, पिक्की वो लहंगा लहंगा सिले थे आपका। स्त्री जी, आप ना वो
जेना को लेने आया, वो मतलब बहुत ही अच्छा लड़का है। वो तो भाभी भाभी बुला था आपको। स्त्री जी, हमने 31 मिनट में आप कर लेंगे सिला, आप हमें ही लेने आ गई। बाय गॉड, हट कर दिया आपने, हम पलटेंगे ही नहीं। हमको आवाज ही नहीं आ रही आपके। अरे हेलो हेलो हेलो, एक बात तो अच्छी होगी, मतलब आप स्त्री नहीं है। हम वो सुबह क्या वापिस चले। आप भी कमाल करते हो। बे विक्की, कहाँ थे यार तुम? जना देखा? रुद्र भैया भागो, इसका भी शिकार हो गया। चिब्बू नहीं है, स्त्री नहीं है। झूठ बोल रहे हो। चिब्बू है वो चिट्टी, वो लेंगे वाली। प्लीज तुम्हारी जान कसम, अपनी जान पे खेल का मैं जान बचाई इसने। तुम लोग बहुत है, तुम्हारी वो चक्के रह जाते। ऐसे चाकू फेंका इसने चुड़ैल के ऊपर। भाई को वीडियो बना के यूट्यूब पे डालते ना, जो हिट तो था हैशटैग चाकू वाली। पर ये क्या कर रही है यहाँ पे? इसको कैसे पता हम सब यहाँ हैं? सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं है जो गायब हुआ है। हर साल बहुत से लोग गायब होते हैं। पिछले 3 साल से मैं यहाँ पूजा के समय आती हूँ, ताकि किसी तरीके से उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकूँ। जैसे और लोग खोए हैं, वैसे मैंने भी अपना कोई खोया है। मुझे पता है कि वो वापस कभी नहीं आ सकता, पर फिर भी आप चाहे तो अपना दुख हमारे साथ बांट सकती है, दिल हल्का हो जाएगा। नहीं, ओके। वैसे विद्या आपने सीखी कहाँ? बहुत भटकना पड़ा। कभी किसी अघोरी बाबा के पास गई, तो कभी किसी तांत्रिक के पास। तंत्र विद्या, जादू टोना, वशीकरण, लाल किताब के नुस्खे, सब कुछ सीखा। पिछले 3 साल से एक ही मकसद था मेरा, स्त्री को हराना। जो भी मुझे पता था, मैंने आज सब कुछ आजमाया, पर वो काफी नहीं था। मुझे लगा कि अब मैं तैयार हूँ। लगा था इस बार उसे हरा दूंगी। देवी जी, ऐसा है, मैंने ना इस विषय पे काफी गहन अध्ययन किया है, रिसर्च। मेरे पुस्तक भंडार में जादू टोना, वशीकरण, मोहिनी, इनसे संबंधित बहुत किताबें हैं। आपको मदद चाहिए तो आ जाइएगा। हमारी भी लेटेस्ट लेडीज फैशन की दुकान है, बेस्ट इन टाउन। कभी भी कुछ भी चाहिए होगा, एनी टाइम एनी वेयर बता दीजिएगा। और वैसे भी सिले हुए से तो बेहतर ही होता है रेडीमेड। मुझे रेडीमेड पसंद नहीं है। चले चला गया था।
कपड़ा फट जाएगा, कपड़ा फट जाएगा। कितना पतला हो गया। अब बेटा मुझे माफ करो, माफ करो बेटा। तुम सच्चे दोस्त हो, मैंने कितना बुरा भला कहा। नहीं ठीक है। अरे अरे जना देख, मम्मी जना, मम्मी जना, मम्मी। हमें सोने जाना है। हैं? सोना है बोलना है। हाँ हाँ बेटा चल। कोट कोट मेरा भिजवा दीजिएगा मेरा। अच्छा आंटी। अच्छा। बाय जना। गायब कैसे हुए? किसने स्याही मिटा दी है? जरा देख भाई तुम्हारी स्त्री ने क्या कर दिया बे? 10-12 मर्दों को उठाकर ले गई और भागड़ी साले हर जगह मिटाती फिर रही है। जाना जाना ऐसे क्यों बैठे हुए जना? अब एक यही तरीका रह गया है, औरतों की तरह साड़ी और चूड़ी पहनकर निकलो। आपकी बातें सिर्फ बातें रह गई, एक रात में 20 लोगों को उठा ले गई आपकी स्त्री। हाँ समा, हाँ पता, हाँ बस अभी आया, हाँ आया अभी। हमें अपने नौजवान वापस चाहिए, जो हमारे गायब हुए नौजवानों को वापस लाएगा। हर एक आदमी की घर की वापसी के लिए उसे 10-10 हजार रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा, समझ रहे कि नहीं? अरे दुआ मुंह पे आ रहा है मेरे गोलम उदारन। अरे बेटा मैं खोलो यार। रुकना, इसकी तो कोई मत सुनो आज। साला अमोल पालेकर बाहुबली बना बैठा है, दोस्त को कोई इतना मारता है क्या? हम और टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, जना पूरी तरह से उसकी वश में है।
जो भी करना होगा पूजा खत्म होने के पहले करना होगा। तो आप तो एक्सपीरियंस होल्डर हो, आप एक सोल्यूशन बताओ। अगर स्त्री के बारे में और कुछ जान लिया होता ना तो कुछ हो सकता है। कहाँ से जानेंगे, एक किताब मिली थी इनकी दुकान पे, पुस्तक भंडार, एक किताब मिली थी इनकी पुस्तक भंडार पे, उसके भी पन्ने गायब थे। पर अगर उस आदमी को ढूंढ ले जिसने वो किताब लिखी है, उसे तो पता होगा ना पन्नों पे क्या लिखा था। हाँ। हा? आप जानते होंगे उस आदमी को? हम सब जानते हैं सब, मगर वो जिंदा है, इमरजेंसी में रहते हैं। ओहो, आईसीयू, इमरजेंसी। किताब की बात कर रहे हो? परम पूज्य शास्त्री जी, आपने हमारे शहर की महागाथा को एक पुस्तक का रूप दिया था, चंदेर पुराण, याद है? पुस्तक का विमोचन मेरे रुद्रा पुस्तक भंडार में हुआ था। तू अश्लील किताबें बेचा करता था शास्त्री जी। वो स्त्री जो है हमारे दोस्त को उठा के ले गई थी, और भी बहुत सारे मर्दों को उठा के ले गई है। आप बता सकते हैं उन्हें वापस कैसे ला सकते हैं? स्त्री, स्त्री। शास्त्री जी प्लीज, मी रिक्वेस्ट भाई, इमरजेंसी खत्म हो गई क्या? कब से दीवार पे सर फोड़ रहे, आदमी को याद ही नहीं है कुछ। जी जी जी, इमरजेंसी खत्म, देश बेहतर स्थिति में है। ना 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 शास्त्री जी, हम स्त्री की बात कर रहे हैं। स्त्री स्त्री स्त्री, स्त्री का लाना, स्त्री स्त्री क्या होती है? स्त्री मर्द के पांव की जूती होती है। स्त्री क्या? स्त्री को औकात में रहना चाहिए, अपनी घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। अरे मर्द को खुश रखे, बच्चे पैदा करे, भाई तो नहीं काम है स्त्री का भाई। और ज्यादा छू चपड़ करे, बाल खींच के चौराहे पे खड़ा करके चला दो साली को। कुछ नहीं होने इनके पास, इतनी वाहियात बातें, टाइम वेस्ट किया। ऐसे राइटर है ये? हाँ, ये सब लिखते हैं। अब जना क्या करना है, वो तो ह्यूमन बन के बैठा है। सोचते हैं, कितनी घटिया सोच है इनकी। मेरी नहीं, मेरी सोच घटिया नहीं है, इस शहर की सोच घटिया है। अब जब तक चाहा उस स्त्री का इस्तेमाल किया, फिर फेंक दिया उठाकर। और एक वो मर्द जिसने उसे इज्जत दी, उसे भी छीन लिया तुम लोग। मरेंगे सब, मरेंगे। जब तक एक भी मर्द जिंदा है इस शहर में, चुप नहीं बैठेगी वो। बस एक एक मर्द है जो इस आग को बुझा सकता है। कौन है वो शास्त्री जी? कैसा दिखता है? रंग गेहुआ, लंबी नाक, समझे खुद को राजा, बरगद की गोद में जन्मा, घर का एक शहजादा, आंखों में जिसकी प्यार, एक ऐसा कलाकार, वही है इस शहर का रक्षक, एक कुंवारा तबायफजादा। तबायफजादा, कुंवारा तबायफजादा। जन्नत को देखकर चलो चलो। रंग गेहुआ, लंबी नाक, समझे खुद को राजा, बरगद की गोद में जन्मा, घर का एक शहजादा। ए बिकी, तो अपनी दादी माँ के गांव में पैदा हुआ था ना? उनके घर के पीछे एक बरगद का पेड़ भी था। तो अपने घर का इकलौता चिराग भी है, एक शहजादा। वेरी गुड। रंग गेहूं आ लंबी ना, समझे खुद को राजा। रंग भी गेहूं ही है और नाक भी 1.5 इंच होगी। बाकी जब तुम महल जाते हो तो ऐसे फैल के बैठते हो, अपने आप को राजा से कम थोड़ी समझते हो। आंखों में हो जिसके प्यार, ऐसा एक कलाकार। तुम्हारी आंखों में प्यार है और ये स्त्री ने देखा तभी इनको साथ नहीं लेके गई। हमारी आंखों में प्यार है, स्त्री को नजर आता है, इनको नहीं। और तुम कलाकार भी हो। अब ज्यादा भावुक नहीं हो रही? ये कैसे कलाकार है? आसपास के 3 जिलों में अगर कोई लेडीज फैशन सबसे बेस्ट बनाता है तो वो विकी है। वही तो। हाँ, अच्छा इत्तेफाक है, पर हमको ऐसा आदमी ढूंढना जिसमें 5 बातें हो,
और वो पांचवी बात जो है तवाइफ ज्यादा, वो कहाँ से ढूंढेंगे? तवाइफ का मतलब वही होता है ना, मीनिंग। उसे किसी ने बताया नहीं है? नोबडी। पूरे शहर को पता है, तुम्हें नहीं पता? क्या? क्या? देखो देखो, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। किसी की माँ स्कूल टीचर होती है, किसी की सरकारी कर्मचारी, किसी की पापड़ अचार बनाती है। तुम्हारी माता जी वो थे क्या? वो क्या? वो तवायब। ऐसा लपाड़ा मारेगा सात रंग का मुंह तो कहीं पे? हम लगा साला मजाक में हरामी रामी बोलते हो हमें, तुम तो कुछ भी बोले जाए हो, और देखते हो किस सामने बोल रहे हो। विकी सच है यार, तुम्हारा स्त्री सब छोड़ देंगे तुम्हारा अभी हम। विकी इसे क्या देख रहे हो? इसे देखोगे तो हम मान जाएंगे हमारी मम्मी? अब हमारी मम्मी तो भाई नहीं है। बात सुनो विक्की, विक्की मिल गया शहर का रक्षक, वो तोड़ेगा स्त्री को। स्त्री को? हाँ हाँ स्त्री को। क्या ज्ञान दे रहे हमें? आपने जवानी में बहुत फ्रेंडशिप किए हैं, अब आप एक बात बताओ, आपने मम्मी के साथ फ्रेंडशिप की थी कि शादी? मम्मी कसम, दीदी कसम, सॉरी, व्रत तोड़ लो। एक बार बता देते बस, और क्या, खा लो। हमने बात की थी दीदी से, पर फिर सोचा क्या फर्क पड़ता है, हमारी माँ थी वो, हो सकता हमारे बाप भी कोई और, पर हम तो अपने एक ही बाप को जानते हैं, जो 7 इंची टेप लिए दुकान पे खड़ा रहता है, पर जिसे लगता है कि हमारा जो टेलरिंग का टैलेंट है ना, वो दुनिया का सबसे महान टैलेंट है। पर जो शहर साला, सबको पता था हमारे बारे में, पर किसने हमारे मजाक नहीं उड़ाया, वरना ऐसी बातें तो लोग इतना गॉसिप करते हैं ना। पता है हमें, हमें मालूम था हमारा जन्म ना ये लाउज पेटी को टाल्टर करने के लिए नहीं हुआ है, पर ये नहीं पता था कि हमारा जन्म जो है इन लोगों का उद्धार करने के लिए हुआ है। ऊपर वाले ने मतलब क्या चुन के मकसद दिया ना हमें? बरगद की गोद में जन्मा, घर का एक शहजादा, एक गुब्बारा तबाही चाहता। अब अगर हम है ना एक तबाही की औलाद, तो इस शहर का उद्धार हम ही करेंगे। अब जना के साथ साथ सबको बचाएंगे हम। तो तुम सबको लेके हमें राजरानी महल पे मिलो। स्त्री
के बारे में हमें क्या क्या पता है? वो भयानक है, गुस्सैल है? नहीं, वो पढ़ सकती है। कभी सुना है ऐसे किसी भूत पिशाच चुड़ैल के बारे में जो पढ़ लिख सकता हो? मतलब हमारी लड़ाई पढ़ी लिखी चुड़ैल से, ये नए भारत की चुड़ैल है। नंबर दो, हर साल पूजा के टाइम पे आती है मर्दों को उठाने, पर अगर घर के बाहर लिख दो वो स्त्री कल आना, तो मैडम पढ़ती है और सोचती है, ओहो अच्छा ठीक है, आज आप लोग आराम कर लो, मैं आज नहीं आऊंगी, मैं कल शिकार करने आऊंगी। मतलब अगर कुछ बोलो तो सुनती है, यानी आज्ञाकारी है। नंबर तीन, निहायत ही बेवकूफ है, अगली रात फिर वापस आती है, उसी चीज को दोबारा पढ़ती है और फिर सोचती है, ओह शिट अब कल फिर से आना पड़ेगा, ये तो चीटिंग है, और यूटर्न मार के वापस अपने घर। उस गधी को इतना भी समझ नहीं आ रहेगा जो शेर वाले उसका चुप काट रहे हैं। आईक्यू लेवल कम है, कम है, और हम इससे कहीं ज्यादा होशियार हैं। थैंक यू। अगर अपनी पे आ जाए ना हम, तो इस शहर को इस चुड़ैल से हमेशा के लिए मुक्त करा सकते हैं। तो फिर अपनी पे आ जाते हैं? करेंगे। आ जाते हैं। हैं? हाँ। लेकिन करेंगे क्या? सुहागरात, सुहागरात। इधर भी आपकी उम्र ज्यादा नहीं होगी सुहागरात के लिए? नहीं, मैं शास्त्री जी की किताब के अनुसार स्त्री जी अपनी अधूरी सुहागरात पूरी करना चाहती है। तो? और अगर तुम शहर के रक्षक हो तो उनकी अधूरी सुहागरात तुम्हें ही पूरा करना होगा। दिमाग खराब हो गया आपका? नहीं, क्या क्या कह रहे हो? हमें तो डेडी ने पिक्चरों में सुहागरात नहीं देखनी थी, हम चुड़ैल के साथ सुहागरात मनाएंगे। यस। अच्छा, हम तो रक्षक है ना, तो हमें तो फाइट वाइट करनी चाहिए। सुहागरात के बाद ही फाइट की शुरुआत होती है। सच में चुड़ैल के साथ ऐसे पूरा पूरा एकदम? उसको सिर्फ सुहागरात का लालच देना होगा, किसी तरह तुम तक लाना होगा बस। याद है उसने तुम्हारी आंखों में प्यार देखा था? फिर मेरे ऊपर छोड़ दो, अपने घर पे वो बहुत ताकतवर है, लेकिन उसके घर के बाहर उसको काबू में कैसे लाना है मुझे पता है, लेकिन उसको बुलाएंगे कहाँ? यही विक्की के मेल में। बेस्ट है विक्की, टिप-टाप लग रहे हो, बस सेरा पहन लो। नहीं, सेरा से। अबे सेरा पहन लो। बाल। अबे दूल्हा सेरा नहीं पहनेगा तो कौन पहनेगा यार? पहन लो। डैडी ने कितने सपने देखे थे हमारी शादी के, हमें क्या पता था एक दिन चुड़ैल के लिए सेरा पहनना पड़ेगा हमें। अरे तुम टेंशन मत लो, पूरे शहर को बचाने का मौका मिल रहा है, ये मौका मिलता है किसी को, डरो मत। बिल्कुल, जना को बचाना नहीं बचाना, उसको वापस इंसान बनाना है ना हमने। अच्छा प्लान क्या है, करना क्या है? दीवार पे लिखे हुए को पढ़ के स्त्री यहाँ जरूर आएगी, जब वो तुम्हारी आंखों में देखे तो तुम नजरें मत घुमाना, उसकी आंखों में देखना। मेरे पास एक मंत्र है, वो मंत्र उसकी शक्ति को कम कर देगा, उसके बाद इस खंजर को उसके दिल के आर पार करना होगा। खंजर? हम किसे आर पार करें? हम अंदर ही हैं, घबराना मत। चल चल चल। अच्छा वो कजे मंत्र काम करेगा ना? 90%। 90% मतलब क्या होता है? शायद 99%। मतलब 1% चांस है कि हम शहीद हो जाएंगे। डैडी। अच्छा भाई चलो चलो। सुनो, जा रहे हैं। तुम तो यार टेंशन मत लो बिल्कुल भी, तुम बिक्की हो बिक्की, जो चुड़ैल के साथ सुहागरात बना जाए वो बिक्की। अच्छा अगर हम वापस ना आए ना तो हमें ढूंढने मत आना, और डैडी का ध्यान रखना प्लीज। वो स्त्री कल आना, वो स्त्री यहाँ कोई मर्द नहीं, वो स्त्री कल आना, वो स्त्री यहाँ कोई मर्द नहीं।
अंदर नहीं आ रही। कुछ शक तो नहीं हो गया? अरे तुम लोगों ने जितना समझाता उससे ज्यादा स्मार्ट है ये स्त्री। कहाँ गया होगा? मतलब स्त्री जी आ गई और प्रेमी को ले गई। ये दूध तकिया फूल सुहागरात सब धरा का धरा रह गया। कहाँ ले गई? कहाँ ले गई तेरी दीदी? विक्की का मैसेज आया है व्हाट्सएप पे। क्या? लोकेशन शेयर किया। स्त्री जी कहाँ हो आप? स्त्री जी जगह है। लगता है उसको बेडरूम में ले गई है। अब सुहागरात मना के ही मानेगी वो। स्त्री जी रेडी है हम। आप आ जाइए जहां पलंग पे, कर लेते हैं सुहागरात। रेडी हो रहे हम। पेंट भी उतारे क्या? जो उतारे उतारे उतारे। रेडी हो गए यार, कर लीजिए सुहागरात। सॉरी, हमें समझ आ गया आपका इन सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हम तो बहुत इज्जत करते हैं आपकी। हम अपने कपड़े भी पहन लेते हैं। देखिए आप, हम पहन रहे हैं। हमें मत पाइए स्त्री जी, हमने आपको गलत समझा। Thank you.
चुकी क्या? अभी बस इसकी शक्ति कम हुई है। इसके पहले कि वापस हमला करें, हमें इसे खत्म करना होगा। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? वो सॉरी वो हमें लगा शेर को बचाने के लिए इसके साथ सुहागरा तो पता है हमें लगता है इसे ये सब चाहिए ही नहीं। ये लो, इस खंजर से इसके दिल पे वार करना होगा और इसकी चोटी काटनी होगी। चोटी? अब ये चोटी कहाँ से आ गई? मतलब हम कैसे करेंगे? आप ही कर दीजिए ना प्लीज। मेरे हाथ तो हो सकता तो मैं पहले ही कर चुकी होती ना। तुम्हें ही करना होगा, शहर के रक्षक तुम लो। हाँ रक्षक है पर हम सिलाई मशीन चलाते हैं, खंजर कहाँ चलाएंगे? इसके पहले कि वो जाग जाए, लो पकड़ो। मारना जरूरी है क्या? बेचारी इतने प्यार से लेटी हुई है, इस शेर वालों ने भी इसके साथ ये सब किया था और हम भी वही कर रहे हैं। क्या फर्क है फिर हमें और इन लोगों में? कोई मजबूरी होगी ना इसकी, जो तुमने प्यार को ढूंढने के चक्कर में ये सब कर लिया है। छोड़ देते हैं ना प्लीज, कोई और तरीका होगा ना? छिपकली की पूंछ, कॉकरोच का सूप, कुछ हा? तो सिर्फ इसकी चोटी काट दो, उससे इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और ये मरेगी नहीं। देखिए उसकी आंखों में देखो, इसकी आंखें खोलो। जब तक वो उसकी आंखों में देखोगे वो कुछ नहीं करेगी। अरे कुछ नहीं हो रहा है, प्यार की भूखी है, प्यार की, प्यार से देखो। और प्यार से देखो। अरे हमारी जान पड़ी हुई है, कहां से लाएंगे प्यार? चुप चुप, क्या ये बे? कोई तरीका होता है बदला लेने का यार? अबे रक्षक है हमसे आके, यार इज्जत करो हमारी, चिल्ला रही है। विकी लो, बैठो रुद्रा, बैठो। गई है ना? फिर वो इन पर अटैक की जा रही है, इनको ऐसे हवा में उठा दिया, फिर हम पीछे से आए, हमने चोटी काट दी उसकी, फिर वो गायब हो गई, पता नहीं वापस ही नहीं आई। पर स्त्री खत्म हुए कि नहीं हुए बताओ? मतलब अगले साल फिर आएगी? वो सिर्फ एक चीज की भूखी है। नहीं नहीं, हो दो। क्या? प्यार और इज्जत, जो इस शहर ने उसे कभी नहीं दी, और जो इस शहर की गलती थी, और हम भी वही गलती दोहराने वाले थे। और अगर इस शहर ने उसे वो इज्जत दी जो उसे कभी नसीब नहीं हुई, तो शायद वो इस शहर को छोड़ दे। Thank you.
भूल जाते हैं। गुड लक, गुड लक। थैंक यू। वो सब लोग ढूंढ रहे थे बाहर आपको। अरे लहंगा पहन लिया आपने, फिटिंग सही है? तुमने इतने अच्छे से नाप जो लिया था। अजय आपके लिए वो आपने थी तो हम वो स्त्री से लड़ नहीं पाते ना। थैंक यू। तुम बहुत अच्छे हो विकी, पहले मिले होते तो पहले ही हो गई होती हमारी फ्रेंडशिप। करोगे मेरे साथ फ्रेंडशिप? मतलब वो दोस्ती वाली फ्रेंडशिप की हो? हाँ, फ्रेंडशिप का मतलब वही होता है ना। यो हमारे यहाँ ना फ्रेंडशिप का एक और मतलब होता है। अच्छा अगर हमें आपसे बात करनी हो या मिलना हो तो नंबर भी नहीं है हमारे पास, तो बस मुझे याद करनी हो। अच्छा आपका जाना जरूरी है क्या? रुक जाइए ना थोड़ी देर और प्लीज। विक्की प्लीज। नाम तो बता। पहली बार सुन रहे हैं कि प्रेम कहानी फुलोन चल पड़ी लेकिन नाम नहीं पता, शायद यही ट्रू लव हो। विक्की प्लीज। पिछले 3 साल से एक ही मकसद था मेरा, स्त्री को हराना। जो भी मुझे पता था मैंने आज सब कुछ आजमाया, पर वो काफी नहीं था। बड़ी सी बड़ी शक्ति से छुटकारा पाने का कोई तोड़ होता है, सिर्फ इसकी चोटी काट दो उसे इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और ये मरेगी नहीं। मेरे हाथों हो सकता तो मैं पहले ही कर चुकी होती ना। तुम्हें ही करना होगा, शहर के रक्षक तुम हो।